हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चॉकलेट सैंडविच कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक कप चॉकलेट, हाफ कप फ्रेश क्रीम, 1 टीस्पून बटर, सबसे पहले हम लोग पैन में फ्रेश क्रीम गरम करने के लिए रख देंगे। जब क्रीम अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम उसे एक बोल में निकाल लेंगे। देन हम उसमें अपनी चॉकलेट ऐड करेंगे। और 2 सेकेंड रुकने के बाद हम चॉकलेट और क्रीम को आपस में मिक्स करेंगे। जब तक कि पूरी चॉकलेट पिघल ना जाए और साथ ही साथ में क्रीम और चॉकलेट एक सार सी ना हो जाए। हमें इस चॉकलेट और क्रीम के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो हैंड बीटर की सहायता से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड करेंगे और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर ऐड करने से गनाश में अच्छी शाइनिंग भी आ जाती है। लीजिए, हमारा चॉकलेट गनाश बनकर रेडी है। आप इसे किसी भी कंटेनर में भर सकते हैं। इस चॉकलेट गनाश को हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है, तब हम इसका यूज ब्रेड के ऊपर स्प्रेड की तरह कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्प्रेड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसे ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। अब हम दूसरी ब्रेड लेंगे और उसके एक तरफ बटर लगाएंगे। और उस ब्रेड को हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उस पे हम अपनी सैंडविच को रख देंगे। और अब हम दोनों तरफ बटर से लगा करके हम सेक लेंगे, जब तक कि थोड़ी गोल्डन चित्तियां ना पड़ने लगे सैंडविच पे। जब एक तरफ गोल्डन चित्तियां पड़ जाएंगी तब हम उस साइड को पलट देंगे और उसके ऊपर फिर से अपनी चॉकलेट गनाश लगाएंगे। क्योंकि ये साइड गर्म है इसलिए चॉकलेट गनाश लगाते ही थोड़ा पिघलने लगेगी। अब हम चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ भी
थोड़ी गोल्डन चित्तियाँ पड़ गई हैं। अब हम सैंडविच को पैन से उतार लेंगे और मनचाहे टुकड़ों में काट कर इसे सर्व करेंगे। ऊपर से आप इसे ग्रेटेड चॉकलेट के साथ सर्व करें। आप गार्निशिंग अप टू यू है, आप किसी भी चीज़ के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं। लीजिए, हमारी चॉकलेट सैंडविच बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आती है। होप यू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।